Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Asha and you are watching Asha's World. Hope you all are doing so well. First of all, मैं आपको बता दूँ कि ये वाला जो व्लॉग है ये मैंने रमज़ान से पहले बनाया था और दैट्स वाई इसमें खाना कुछ ज़्यादा है. एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आप जो मैं ये वाला डिटॉक्स वाटर बना रही हूँ आप इसको अफ्तार के बाद टिल सहरी भी यूज़ कर सकते हैं. लाइक मोस्टली लोग जो होते हैं ना वो अफ्तार के बाद सहरी तक जागते रहते हैं और जब सहरी होती है तब वो रोज़ा रख के और नमाज़ वगैरह पढ़ के सोते हैं. तो वैसे भी हमें काफ़ी ज़्यादा रमज़ान में डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो ये वाला जो डिटॉक्स वाटर है ये आप सहरी तक पी सकते हैं. लाइक ये नहीं है कि आपने बार बार बनाना है, जब भी आपका ग्लास फिनिश हो जाए यू जस्ट हैव टू रिफ़िल द ग्लास और आप उसको जितनी बार मर्जी रिफ़िल करके पी सकते हैं. जस्ट आपको 10-15 मिनट्स बस रखते हैं ना उसको, या गर्म पानी आप डालेंगे तो वैसे भी सारा जो उसका होता है ना असर जो होता है वो सारा ग्लास के अंदर ऑलरेडी आ जाता है. तो अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि डाइटिंग कर रहे होते हैं और उनको होता है कि हम रमज़ान में भी अपनी डाइटिंग ना छोड़ें, लाइक कोई ये ऑयली चीज़ नहीं खाएं, तो बस जो चीज़ें अच्छी होती हैं और कैलरीज लेस कैलरीज वाली होती हैं वो खाएं, तो आप बस सिंपल सहरी में या अफ्तारी में सिंपल फ्रूट्स या ये कुकम्बर वगैरह कट करके खा सकते हैं, लाइक एज अ वेजिटेबल एज अ फ्रूट, और उसके साथ आप डिटॉक्स वाटर भी लें, दैट्स ऑल. अगर आपने साथ में कुछ और भी करना है तो साथ में बस नट्स खा लें. तो फ़िलहाल तो मैं अपने लिए सैलड बना रही हूँ और साथ में डिटॉक्स वाटर बना रही हूँ अर्ली मॉर्निंग, और बिकॉज़ ये रमज़ान से पहले की वीडियो है तो इसलिए डोंट जज मी एट ऑल. और उसके बाद डिटॉक्स वाटर के लिए आपने क्या करना है, मोस्टली जो बनता है वो आप उसके अंदर कैटल के अंदर ही बना लेते हैं, बट मैं जो हूँ मुझे इतना ज़्यादा उसका फ़्लेवर नहीं पसंद, मुझे बिल्कुल लाइट सा फ्लेवर पसंद है. तो मैं इसके लिए ककम्बर एप्पल एंड हाफ लेमन स्क्वीज करूँगी एंड हाफ ऐसे ही डाल लूँगी, बट मेरे पास मिंट नहीं है. अगर आप लोगों के पास मिंट है तो यू कैन ऑल्सो ऐड द मिंट एज वेल. तो उसके बाद गर्म पानी ऐड कर लेंगे और इसको कोई 2-3 मिनट्स ऐसे ही रख देंगे और इतना फ्लेवरफुल आता है ना. एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट आप जब जब इसको रिफ़िल करेंगे तब तब फ्लेवर सेम वैसा ही आएगा, ज़रा भी फ़र्क नहीं होगा कि लाइक ये भी नहीं होगा कि वो फ्रेश था या ये नहीं है. बहुत यमी फ्लेवर होता है इसका और मुझे तो ये डिटॉक्स वाटर बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं मोस्टली इसको ऑलमोस्टली 4 ईयर्स पहले भी पी चुकी हूँ और अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. मुझे मोस्टली वो चीज़ें अच्छी लगती हैं जिनका फ्लेवर हो बट वो इतना ज़्यादा ना आए, बस थोड़ा सा एक फ़्लेवर आए जिससे लाइक एक फ्लेवरी टच आए. ये मी टाइम होता है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अपना मी टाइम, बिकॉज इसमें मैं बुक वगैरह पढ़ लेती हूँ, साथ में कुछ मीठा खा लेती हूँ या कभी कभार कुछ चिप्स वगैरह. तो आप इसको ऐड कर सकते हैं अपने अफ्तार के बाद जब आप इशा की नमाज तरावियाँ कुरान पाक वगैरह पढ़ लेते हैं ना, तो ज़ाहिर है ये भी तो ना होता कि बस जल्दी से सो जाएं, तो आपको कुछ तो अपने लिए करना होता है ना. तो आप कोई बुक पढ़ लिया करें, साथ में कुछ स्वीट्स में खा लिया करें, कोई बिस्किट कोई चिप्स वगैरह, साथ में कॉफ़ी या फिर कोई जूस वगैरह, थोड़ा बहुत मंदिर का माइंड डाइवर्ट हो जाता है. अभी मैं अपनी आवाज़ सुन रही थी वॉइस ओवर करते हुए, तो मैं सो के उठी हूँ ना और रोज़ा भी है तो इसलिए ना मेरी आवाज़ बहुत चेंज हुई हुई है. अलाइक मुझे तो बड़ी अजीब सी लग रही थी, बट मुझे दोबारा कट करके वॉइस ओवर दोबारा नहीं होता तो इसी से ही गुजारा चलेगा अब. और ये न्यूट्रीला बिस्किट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, बट अभी मैंने 2-3 डेज पहले लिस्ट देखी है जो कि आइटम्स बैन करनी चाहिए, हमें बायकॉट करना चाहिए, तो उसमें न्यूट्रीला भी आता है और न्यूट्रीला बिस्किट्स ये वो ईच एंड एवरीथिंग. तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, मुझे कोई भी बिस्किट नहीं पसंद बट मुझे न्यूट्रीला बिस्किट्स बहुत ज़्यादा पसंद है. बट अब इनसे बायकॉट करना पड़ेगा. और मुझे कोई भी चॉकलेट नहीं पसंद, मुझे कोई भी चॉकलेट नहीं पसंद सिवाय फ्रेडो रोचर्स के और बाउंटी के. एंड अनफॉर्चुनेटली फ्रेडो रोचर्स जो है वो भी बायकॉटेड प्रोडक्ट है, उससे भी बायकॉट करना पड़ेगा. तो आप लोग भी ऐसे ही किया करें, जो आपको चीज़ अच्छी लगती है नहीं लगती है बायकॉट है उसके साथ तो यू जस्ट हैव टू बायकॉट विद दिस प्रोडक्ट दैट्स ऑल. तो खैर मुझे दुख तो बहुत हुआ था कि यार मुझे ये दो चीज़ें ही पसंद थी और इनके साथ ही मुझे बायकॉट करना पड़ेगा, बट खैर कोई बात नहीं. उसके बाद जो है नेक्स्ट डे हेयर केयर रूटीन, लाइक जस्ट मैं सिंपल ऑयलिंग कर लेती हूँ बालों की और उसके बाद 2-3 आवर्स बालों में ऑयल रखती हूँ और जस्ट शॉवर ले लेती हूँ. और आजकल मैंने एक सीरम मंगवाया हुआ है, लाइक कोई भी सन प्रोटेक्शन के लिए, कोई भी हीट प्रोटेक्शन के लिए, और अगर आप
कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं डेली, स्ट्रेटनर, कर्लर, ड्रायर, तो बस आप उसके आगे मतलब उससे पहले लगा लिया करें तो वो बहुत अच्छा होता है, फ्रिजीनेस ख़त्म कर देता है। और ये ब्रोक्यू से मैंने सूट ऑर्डर करा था शॉकिंग पिंक में, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा खुला है, बट अभी मैं इसको ऑल्ट्रेशन करवाऊँगी इसकी, और ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा था तो बस इसको ऑल्ट्रेशन करवाऊँगी तो ये मुझे फिट आएगा, फ़िलहाल तो काफ़ी खुला था। और उसके बाद जो है ये कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स थी, और मतलब मैंने लिस्ट में जब देखा सेरावे, ला रोशे पोजी, ये दो चीज़ें भी थी, और जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तब मैंने लिस्ट नहीं थी देखी। अब मैं ये दोनों चीज़ें बिल्कुल भी हाथ भी नहीं लगा रही इन दोनों को, मगर एक मैं राज की बात बताती हूँ, मैंने सोचा कि ये वाला जो है ना मतलब मॉइस्चराइज़र एंड टोनर, ये मैं अपने भाई को दे दूँगी, उसको गुनाह होगा मुझे तो नहीं ना होगा अब अल्लाह ना करे वो मेरी वीडियो देखे। उसके बाद ये मैंने लाइमलाइट से बिल्कुल लाइट सा ड्रेस मंगवाया था, और ये ड्रेस इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि ये तो मैंने स्टिच होके पहन भी लिया है, मैंने आज पहना हुआ है ये ड्रेस, और ये बहुत बहुत खूबसूरत ड्रेस है, और इतना रीज़नेबल, इतना रीज़नेबल, मैं तो पहन दो दिन से मैंने पहना हुआ है और मैं यही सबको कहती फिर रही हूँ कि यार ये कितना प्यारा है और इतना रीज़नेबल भी है। खैर उसके बाद जो है अफ्तार के लिए बिरयानी, शामी कबाब, रायता, बर्गर वगैरह आप बना सकते हैं अपने मेन्यू में, लाइक ज़रूरी नहीं होता कि आप बस फ्राइड पकौड़े समोसे खाएँ, तो हमारा तो यही है, एक दिन बिरयानी बना ली थी, एक दिन मटर वाले चावल, साथ शामी, साथ में चाट वगैरह हो गई थी, और एक दिन सारा कुछ ही फ्राइड था, और ये जो था ये कप स्टैंड था। उसके बाद आज जो बना हुआ था ओरेंज जूस बना हुआ था, समोसे बने हुए थे, एंड क्रीम सैलड बना हुआ था। एंड होप यू लाइक दिस व्लॉग, एंड तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, होप सो मैं सुबह भी एक व्लॉग अपलोड करूँ, और तब तक गुड बाय।